सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर न्यू मैरिड गर्ल्स. ये वीडियो उनके लिए जो नई बहू बेटियां हैं हमारी, उनके लिए, ठीक है, जिन्हें ससुराल जाना है आज नहीं तो कल उन्हें जाना है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उनको फेस ना हो जो औरों को होती है, ठीक है. तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी अवेयरनेस हो, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा ये सबके साथ होता है, लेकिन आपको थोड़ा पता रहना चाहिए ऐसा क्या होता है. तो देखो, ससुराल जाने से पहले आपको जानना चाहिए कंजुगल राइट्स के बारे में, ठीक है, सेक्शन 9 जिसे हम कहते हैं, ठीक है. तो कभी ऐसी नौबत ही ना आए आपकी लाइफ में कि आपको सेक्शन 9 करना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या रेमेडी अपनानी पड़ेगी कि भाई आपको ऐसा कैसा एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना. तो जैसे कि सपोज क्या हुआ, आपकी शादी हुई किसी गर्ल की, गर्ल की, ठीक है, तो वो गई वहाँ पे. तो पहली बात तो आप ये याद रख लो, आपको राइट रहने का, ठीक है. मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कह रहा, अभी तक तो कोई ऐसा लॉ है नहीं कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसको राइट है. अगर बन गया तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक तो कोई पार्लियामेंट ने पास ऐसा किया नहीं है. तो आपको रहने का अधिकार है पूरा एज ए लीगल वाइफ. आप शादी कर लेते हो, जो फेरे हो जाते हैं उसके बाद आपको राइट बनता है आपकी हस्बैंड के घर में रहने का, ठीक है. इसका जो प्रूफ है वो है बस रहने का आपको अधिकार है, ठीक है, जो मेरी बात है यही आप प्रूफ रख लो. तो रहने का आपको पूरा अधिकार है, ओके. अब क्या होता है, जनरली क्या होता है, मोस्टली केसेस में हस्बैंड वाइफ को ले आता है, ठीक है, तो कुछ दिन रखता है, ठीक है. तो क्या होता है, फैमिली में ना पीछे पीछे प्लानिंग चल रही होती है, भाई लेन देन तो होता ही है शादी में, आपको पता है लेन देन तो होता ही है. तो वाइफ को तो पता नहीं होती, इतना नहीं पता होती, तो वो तो गुड फेथ में बेचारी आ जाती है, ठीक है. तो घर पे लेन देन होता है, जैसे दहेज वगैरह कुछ बात बिगड़ जाए तो वो क्या करते हैं, बहू को क्या करते हैं, छोड़ आते हैं, ठीक है. वो चोरी से प्यार से उसको छोड़ाएंगे कि चल थोड़े दिन तू घर रह ले, ऐसे तो उसको छोड़ाएंगे, ठीक है. फिर उसको लेने नहीं आते, ठीक है, उसको लेने नहीं आते, फोन वोन करते हैं भाई आ जाओ लेने, नहीं आएंगे लेने, ठीक है. फिर उस चीज़ में ना फिर डिमांड दिखाते हैं कि हम तो ये कह रहे थे जी थोड़ा हो जाता तो देख लेते, मतलब अब डायरेक्ट तो कोई बोलता नहीं, ऐसे बोलेंगे हो जाता तो देख लेते. तो उस चक्कर में क्या है, फिर ना मतलब ना तो डिमांड पूरी कर पाता और फिर ना उस बहू को लेके आता कोई, ठीक है. तो क्या होता है, वाइफ है वो ससुराल में रहती है और अपने आप इतनी बहू आती नहीं है घर में कि भाई इतनी कोई बहादुर है नहीं कि भाई खुद ही आ जाएगी, हाँ भाई मेरा राइट है. इतनी जल्दी मतलब आ तो जाती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती ना कि भाई नहीं तो बहू है वो, ठीक है. हम तो वैसी लोग किसी और के घर में जाने से शर्माते हैं, तो वो तो फिर भी ससुराल है, वहाँ तो ऐसे इज्जत से जाया जाता है ना कि भाई आओ ले, तभी तो जाएंगे ना, नया नया रिश्ता होता है, ठीक है. तो अब आपको क्या यहाँ पे बात क्या याद रखनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी शादी हुई और आपको पता लगा कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो थोड़ा ऐसा कर सकते हैं. अब मैं नहीं कह रहा हर कोई ऐसे ही करेगा, अगर आपको लगता है, इफ यू फील, तो आपको क्या करना है, अपने ससुराल से वापस नहीं आना, आपके अपने घर नहीं आना, ठीक है, एक साल तक, ओके. आपको अपने घर नहीं आना, अगर आना है तो हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ वापस आ जाना है. अगर आप मायके आते हो तो हस्बैंड के साथ वापस ही आ जाना है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, मतलब इस चीज़ से बचना है, ठीक है. जनरली यही होता है, छोड़ जाते हैं फिर आपको लेने नहीं आते, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ओके. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भी ऐसा कहाँ होता है, तो देखो भाई आप कमेंट पढ़ लो सेक्शन 9 की वीडियोज़ पे, आप बहुत सारे कमेंट पढ़े वहाँ पे पढ़ लो, आपको ना सब दुख दर्द है जो लेडीज़ों का वो आपको पता चल जाएगा, जो गर्ल्स होती है, नई गर्ल्स होती है. एक केस तो मैं आपको बताता हूँ, कल परसों आया था, तो मैं उनका नाम शेयर करना नहीं चाहूँगा. उनको क्या हुआ, एक पर्सन था लेबर, ठीक है, मेरी तरह था बेचारा गरीब. तो क्या हुआ, उसकी शादी हुई, ठीक है, शादी हुई तो ससुराल वालों ने डिमांड कर दी कि भाई हमें कुछ पैसे चाहिए, ठीक है. अब भाई लेबर बंदा कहाँ से लाए गरीब, तो डिमांड थी लाखों में, तो लाखों में पैसे मांग लिए, ठीक है. तो क्या हुआ, लड़की का भाई आया, उसको वाइफ को, मतलब उसकी वाइफ को, अपनी बहन को, मतलब ले गया वापस. फिर बाद में केस डाल दिया डीवी का 498, ये भाई अब तुम पैसे नहीं दे सकते, तो हमने मतलब झूठा केस, ठीक है, तो फंसाने का केस चलता है, ठीक है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप एक गर्ल हो, अगर आपकी शादी होने वाली है, तो देखो आपकी आपके लिए एडवाइस ये है कि आपका राइट है, उस घर को ना छोड़ो, ठीक है, ओके. आप किसी के जाल में ना हो, आपको छोड़ने जाएंगे फिर आपको लेने नहीं आएंगे, फिर आपको सेक्शन 9 करना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा, कल को आपको बच्चे होंगे फिर वो बोलेंगे कि मम्मी ये क्या है, मम्मा पापा बोलेंगे कि ये क्या है, फिर उनको बताओगे कि ये सेक्शन 9 की डिक्री है कि भाई तेरे पापा मुझे लेने नहीं आए थे तब मैंने ये डाली थी, तो वो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है. तो जब वही है ना, आपको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप पहले ही आप अवेयर हो जाओ, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको ऐसे कर सकते हैं, तो देखो उस घर को आप बिल्कुल ना छोड़ो, ठीक है, उस घर में रहो, आपका राइट है, ठीक है. अगर अब आप कहोगे कि मान लो वो कोई डिस्प्यूट करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो देखो फोन आजकल है ही है,
अपने पेरेंट्स को बुला लो वहीं पे, ठीक है, पेरेंट्स को बुला लो, पुलिस वुलिस को बुला लो, सब कुछ वहीं बुला लो, लेकिन उस घर से एंट्री छोड़ना मत, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है आपके घर वाले या ससुराल वाले अच्छे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आप ये वीडियो देखो ही मत, ठीक है। तो ये वीडियो विक्टिम्स के लिए है जो मतलब ओके, तो ये वीडियो मैं कहना चाहूँगा कि उनको शेयर करो, ठीक है, क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो देखो हमें जरूरत भी नहीं है, बस ये कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, तो खासकर, और जो नई बहू बेटियां उनको तो पता ही होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। तो ऐसा उनके साथ हो सकता है, यानी कि 1/N प्रोबेबिलिटी है। अब मैं नहीं कह रहा होगा ही कि आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप पॉजिटिव लेके चलो कि ऐसा क्या पता हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको घर से एंट्री नहीं छोड़नी है, ओके। अगर कोई फर्दर डिस्प्यूट होता है वहाँ पे ससुराल में, आपको 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को वहीं बुला लेना है, अपने पेरेंट्स को भी वहीं बुला लेना है, ठीक है, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जाना, और ठीक है। और सो बी अवेयर, आप बिल्कुल सतर्क रहें, बी स्टाइलिश, बी अवेयर। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई फर्दर डाउट है ओके, तो आप हमारी इंस्टाग्राम पर अपना क्वेरी लीव कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो गरीब अकबर के नाम से ही है, अब गरीब में डबल ई ही है, ठीक है, जो चैनल का नाम है ना वो ही स्पेलिंग है।